पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के सैनिकों को वीरमरण आने के बाद पूरे भारत में गुस्सा और दुखद की लहर है। हमारे सैनिकों के वीरमरण का समर्थन करते हुए मुंबई के मानकुर इलाके में वाल्मीकि समाज के लोगों ने पूरे भारत में हुए दुखद घटना का समर्थन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस दुखद घटना का समर्थन करते हुए अपना सरकार इस हमले का कैसा बदला ले, इस घटना के तहत विचार विमर्श कर अपनी सलाह दी। हमने कैंडल मार्च इसलिए निकाला है, पाकिस्तान ने बेईमानी गद्दारी से जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मारा है, कन्नवाई पे जो उन्होंने ब्लास्ट किया है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हम भारत सरकार से, हमारी मांग है कि भारत सरकार उनको सबक सिखाए। हमारी नरेंद्र मोदी से बार बार ये पुकार रहेगी कि पाकिस्तान को एक बार कड़ा सबक सिखाए ताकि दोबारा बार बार वो कमीनी हरकत ना करे, ये हमारा उद्देश्य आज का। सरकार से हमारी यह उम्मीद है कि एक बार सरकार पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए ताकि वो दोबारा इस प्रकार की हरकत ना कर सके। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे ये कहना है कि हमारे जो देश के जवान हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं और आए दिन कुछ ना कुछ उनके साथ में जो आघात हो रहे हैं और हमारे देश के जवान बॉर्डर पर जो मारे जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत उनके परिवार के लिए इतनी दुखदायक बात है कि आज उनका परिवार इतने दुख से और इतने संकट से गुजर रहा है कि वो हमारा हिंदुस्तान उसको देख नहीं पा रहा है। इसके लिए मैं विनती करता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, अब ये पाकिस्तान का अत्याचार और अन्याय बहुत हो चुका, लेकिन अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमारा देश और हमारी युवा पीढ़ी, अगर हमें ये इंसाफ नहीं मिला तो हमारी युवा पीढ़ी और हमारा देश आक्रोश है और इस टाइम आक्रोशी में रोड पर उतर जाएगा और इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन और हम लोग ये करते रहेंगे। मैं वाल्मीकि समाज का हूँ, मेरा नाम आकाश है। हमने यहाँ पर ये एक आंदोलन रखा हुआ है, हमारे जो 42 जवान जो शहीद हुए थे पाकिस्तान वालों ने जो धोखे से मार दिया उनको, उसके लिए हमने यहाँ पर आंदोलन रखा है और हम यहाँ पर एक अभियान भी रखा हुआ है जो अभी आपको थोड़ी देर दिखाया जाएगा। तो हमारी ये नरेंद्र मोदी जी से विनती है कि जो पाकिस्तान वालों ने हमारे साथ धोखे से किया है, हमको धोखे से नहीं करना, लेकिन हमारी जो सेना है हमारी सेना को छूट दी जाए, जो पाकिस्तान के अंदर उसके मारे अगर मोदी जी ने ये निर्णय नहीं लिया और हमारी सेना को अगर उनने ऑर्डर नहीं दिया तो हम इसी तरह पूरे शहर में आंदोलन करेंगे। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।